अर्न विद ट्रेडिंग में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डीप में ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जिस हिसाब से BTC क्रेश हुआ मार्केट के अंदर, काफ़ी अल्ट कॉइनों के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल्स में कवर करूंगा कि यहाँ पे भी हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो पहले जैसा बना सकते हैं बुल रैली आने से पहले। जब बुल रैली आने से पहले ही हम अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा यहाँ पे बना सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप बने रहना। इससे पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर्स किया था, अपलोड जब मैंने किया था BTC के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC का मोमेंट काफ़ी ख़राब है और इसका मैं हालांकि इसके सभी अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड भी किया हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको बहुत अच्छे से अपडेट मिल चुका होगा, और आप यहाँ पे चाहें तो हमें ट्विटर या फेसबुक सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको एनी टाइम प्रोवाइड करते रहूँगा। क्योंकि ये मार्केट जो है क्रिप्टो मार्केट, आखिरकार यही चीज़ है कि यहाँ पे आपको अपडेट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास अपडेट होगा उतना आपके पास नॉलेज बढ़ेगा और आप आने वाले लॉस से आप बच सको। इसलिए दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर खास करके अपडेट्स की ज़रूरत होती है। तो आप चाहे हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम यहाँ पे पूरा स्टार्ट करते हैं कि हमें पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने बाइनांस के ऊपर आ चुका हूँ, और अक्सर मैं आप सभी लोगों को ट्रेड में हमेशा बोलता हूँ कि जो भी अपना 10-20% इन्वेस्टमेंट करो और बाकी 80% पेमेंट्स को कम से कम अपने वॉलेट के अंदर परमानेंट रखो। मार्केट कभी किस मोड पे आ जाए किसी को भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ आपने देख चुका है। अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं मार्केट की। अगर हम बात करें तो मार्केट आप देख सकते हो पूरा रेड निशान के अंदर है। ये मैं फिलहाल स्पोर्ट में हूँ, ये देख सकते हो पूरा रेड निशान के अंदर है। अभी हम चलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने वॉलेट की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने स्पोर्ट वॉलेट की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो शिबा कॉइन, ये छोटे मोटे जो भी कॉइन्स हैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्टेक पे डाल के रखा हूँ। क्योंकि स्टेक पे डालने से ये फ़ायदा होता है कि मार्केट गिरा हुआ है कुछ ना कुछ कॉइन्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा जिस पर हम सेविंग करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर हम ओनली बात करेंगे अपने कॉइन्स को बढ़ा के मतलब किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो एक एक एग्जाम्पल्स को पकड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो ट्रॉन कॉइन है, अगर हम ट्रॉन की बात करें मेरे पास यहाँ पे 39 ट्रॉन है। ओके, सपोज एग्जाम्पल्स की इस ट्रॉन को मैंने यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा था। हाँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहूँगा मैं। मैंने 100 रुपये में खरीदा था और मेरे पास यहाँ पे मान के चलते 40 ट्रॉन है। ओके, मतलब 100 की इन्वेस्टमेंट में मुझे 40 ट्रॉन मिले थे, लेकिन आज इस प्राइस की क्या वैल्यू है मान के हम चलते हैं। मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था और ये प्राइस आज के डेट में मुझे 40 रुपया दिखा रहा है, और यहाँ पे 40 कॉइन तो दिखा रहा है। यानी कि जो मेरा कॉइन है, कॉइन तो उतना ही है लेकिन मेरा प्राइस कम हुआ है। यानी कि अगर आज के दिन अगर मैं ये 40 कॉइन ख़रीदना चाहूँगा तो मुझे कितने में मिलेगा? 40 रुपये में मिलेगा। ओके, ध्यान से समझना, मैंने यही 40 कॉइन मैंने पिछले टाइम में ख़रीदा था 100 रुपये में। ओके, अब भी 40 कॉइन मिला और आज के दिन में 40 कॉइन का वैल्यू 40 रुपया है, यानी कि अब मुझे 40 रुपये में मिलेंगे 40 कॉइन, यानी कि एक कॉइन की वैल्यू कितनी पड़ गई? 1 रुपया। तो अब यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना कैसे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी कॉइन आपके पास है आप क्या करिए, TradingView.com पे जाइए, गूगल सर्च करके वहाँ पे उस कॉइन को रिसर्च करिए कि किस जो कॉइन है। और यहाँ पे दोस्तों पोर्टफोलियो बढ़ाना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे डिप्रेशन में आके लोग अक्सर अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री माइंड से टाइम देना होगा। अगर मार्केट के अंदर आप चाहते हो कि एक बड़ा पैसा कमाओ, मोटा पैसा बनाना है, पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है, तो समय देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि 10 मिनट ही काम करूं फिर उसके बाद चलो 2 दिन बाद ट्रेडिंग भी ओपन करता हूं, 2 दिन बाद ओपन करता हूं, तो फिर यहां पे मार्केट के अंदर आप रुक के भी कोई आपको मतलब नहीं है। तो मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना है तो दिन रात आपको एक करना
जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जाना ट्रेडिंग पे और वहाँ पे आप जिस भी कॉइन में उसका सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस देन सपोर्ट लेवल फोर हॉर्स टाइम फ्रेम के अंदर आपको वहाँ पे बना लेना है। और वहाँ पे जब आप बना लोगे अभी ये मार्केट स्टेबल होने के बाद वहाँ पे बना लो, और उसके बाद एक चीज़ वहाँ पे ये रेंज देखो कि मार्केट किधर से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये मार्केट के अंदर एक साथ रॉकेट नहीं बनेगा कि यहाँ से सीधा $70,000 बिटकॉइन नहीं जाने वाला है। यानी कि अगर BTC यहाँ से $30,000 जाएगा तो वापस BTC आपको धीरे धीरे करके वापस $35,000 पे मिलेगा, फिर BTC 30 पिछले बार गया था तो इस बार $32,000 जाएगा, फिर यहाँ से 35 से 37,000 जाएगा। तो इस तरीके से एक रेंज में BTC चलने वाला है, तो उसी के साथ सब अल्ट कॉइन भी रेंज में चलेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पे आपको अपने कॉइन्स को पूरे सेल कर देना। अब आपका इस बेरिश मार्केट के अंदर दोस्तों आपका जो टारगेट है ना, आपको अपनी कॉइन बढ़ाना है, आपको डॉलर वैल्यूएशन देख के कोई मतलब नहीं है, आप अपने कॉइन्स को बढ़ाओ, जितने हो सके कॉइन्स को बढ़ा लो यहाँ पे जितने भी हो सके। तो रेजिस्टेंस पे आपने सेल किया, जैसे ही नीचे आता है सपोर्ट में जितने अमाउंट का आपने सेल किया ना पूरे अमाउंट का वो रिटर्न बाय कर लो। तो यहाँ पे जो आपका 40 कॉइन था हो सके आपका 50 हो जाए, 60 कॉइन बन जाए, यानी कि आपके पास कॉइन बढ़ चुका है। तो सेम उसी तरीके से अगेन फिर जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में जाता है, और उस समय खास करके आपको एक अपना BTC का मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्या BTC कहीं ऊपर की तरफ और तो नहीं चले जाएगा। तो इस चीज़ को देख के आप जो भी अल्ट में हो वहाँ पे ट्रेड करो, और मोर देन आप यहाँ से ही अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा मैनेज कर सकते हो, या तो फिर आपको होल्ड करना होगा जब तक ये मार्केट बुल रैली में ना आ जाए। और भी दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद कर सकूं, तो यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आप जिस भी कॉइन में है मुझे आप मैसेज करिए, मैं उसका आपको एकदम चार्ट बना के आपको मैं भेज दूंगा, जिसकी मदद से आप उसे ट्रेंड पे अगर ट्रेड करोगे तो भी आप अपने कॉइन बढ़ा सकते हो। मैं आपको इतना मदद कर सकता हूँ सपोर्ट के लिए। मोर देन यहाँ पे मुझे मालूम है बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे मैं सभी को रिप्लाई दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके आप वहाँ पे मुझे ज़रूर अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना पर्सनली। आई होप दोस्तों ये ट्रिक्स आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, और यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा मैनेजमेंट भी कर सकते हो। बाय द वे एक बात और याद रखना, यहाँ पे स्कैमर्स भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मैं किसी को भी सामने से मैसेज नहीं करूँगा, याद रखना ये वर्ड मेरा एकदम ध्यान से रखना, मैं किसी को भी यहाँ से मैसेज नहीं करूँगा, बट अगर आपको कोई सामने से मैसेज करे मेरे नाम से या कैसे भी, तो आपको वहाँ पे कोई बात नहीं करने है। ओके, तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बना होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अभी एक दूसरे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।